पंजाब में कांग्रेस की कमान संभालते ही नवजोत सिंह सिद्धू एक्शन में आ गए। चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। पोस्टर में अमरिंदर की जगह अब सिद्धू छा गए हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू अमरिंदर से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहां सबसे बड़ा अभी भी यही है कि क्या दिल भी मिलेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू। ये है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पहले दिन सिद्धू के तेवर बदले हुए हैं। चेहरा दमक रहा है, भाव भंगिमा आत्मविश्वास से लबरेज है, चाल में ठसक है। नई जिम्मेदारी के साथ सिद्धू सुबह सुबह पटियाला से चंडीगढ़ निकल पड़े। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अमरिंदर सिंह से मिल सकते हैं। इसका इशारा उनके ट्वीट से भी मिलता है। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद पहले ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल और प्रियंका गांधी का धन्यवाद कहा। साथ ही ये जता दिया कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने लिखा, कांग्रेस के सभी लोग मिलकर काम करेंगे, पंजाब जीतेगा, जनता को ताकत मिलेगी, ये मेरी यात्रा की शुरुआत है। सिद्धू चंडीगढ़ के रास्ते में थे और चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर का हुलिया बदल रहा था। वहां से अमरिंदर सिंह की तस्वीरें हटाई जा रही थी। लंबे वाद विवाद और राजनीतिक बयानबाजी के बाद आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस बन गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टरों की जगह पंजाब कांग्रेस के मुख्यालय में नवजोत सिंह सिद्धू के नए पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर लग गए हैं। सिद्धू के लिए दिल्ली से खुशखबरी वाली चिट्ठी कल रात ही जारी हुई। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू पर भरोसा जताया, उन्हें पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी। दिल्ली में लिखित फैसला आया और सिद्धू समर्थक जश्न में डूब गए। पटियाला से अमृतसर तक ढोल नगाड़े बजने लगे। सिद्धू की मुरादें पूरी हुईं तो आशीर्वाद लेने गुरुद्वारा और मंदिर पहुंच गए। पटियाला में सिद्धू सबसे पहले दुख निवारण साहिब के दर पर पहुंचे, मत्था टेका। रात में सिद्धू पटियाला के काली मंदिर जाकर माँ का आशीर्वाद लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो चार कार्यकारी अध्यक्षों की टीम बनाई गई है वो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। खास बात यह है कि इसमें अमरिंदर सिंह का कोई भी नजदीकी नहीं है और ये टीम राहुल की टीम है जो कि युवा कांग्रेस से आती है। तीन विधायक है इसमें और तीन जो रीजन है पंजाब के, मालवा, मांझा और दुआबा, उन तीनों रीजन को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। खासतौर से दो जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो मालवा से आते हैं क्योंकि मालवा सबसे बड़ा रीजन है। तो ये जो टीम बनाई गई है पूरा एक सेंटर आलाकमान की तरफ से तय की गई है। पंजाब में खींचतान खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि पंजाब में सरकार के मुखिया अमरिंदर होंगे और पार्टी की बागडोर सिद्धू के हाथों में होगी। पंजाब कांग्रेस को रफ्तार देने और सभी समुदायों को साधने के लिए चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनमें कुलजीत नागराज जाट सिख हैं जो मालवा क्षेत्र से आते हैं, संगत सिंह ओबीसी से हैं जो दुआब क्षेत्र से आते हैं, सुखविंदर सिंह डैनी दलित हैं जो माझा क्षेत्र से आते हैं और पवन गोयल हिंदू चेहरा हैं, मालवा क्षेत्र से आते हैं। तो जो फैसला जो कांग्रेस पार्टी ने लिया है वो लोगों की आवाज को देख के लिया गया है। क्या मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री नवजोत सिंह? पार्टी जो भी फैसला हाईकमांड ने करना होता है और जो हमने तो एमएलए जीत के लाने हैं। लेकिन नई लीडरशिप अब सिद्धू जी के आगे साथ आगे बढ़ेगी पूरी। लीडर जब लीडर सिद्धू जी हैं तो लीडरशिप आगे ऐसे ही बढ़ती है। सिद्धू ने जनवरी 2017 में कांग्रेस का दामन थामा और चार साल में उन्होंने ऐसी सियासी छलांग लगाई कि पंजाब कांग्रेस के कप्तान बन गए। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान के सामने कई चुनौतियां हैं। मसलन 2022 में पंजाब में कांग्रेस को फिर से सत्ता तक पहुंचाना, अमरिंदर सिंह के साथ तालमेल बिठाना, चार चार कार्यकारी अध्यक्षों को साथ लेकर चलना, नाराज विधायकों का समर्थन लेना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, विपक्ष से दो दो हाथ करना। कल रात तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पोस्टर कांग्रेस भवन में लगे हुए थे उन्हें किस तरीके से छिपाने की कोशिश की गई है ये तस्वीरें भी यहां पर आप देख सकते हैं। दरअसल राजनीति में यही होता है, जो बॉस होता है उसका सिक्का चलता है और जिसे हटा दिया जाता है उसके पोस्टर और उसकी कुर्सी इसी तरीके से साइड में लगा दी जाती है।
फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस बन गए हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जो बयानबाजी और वाद विवाद उनके चुनाव से पहले हुआ था वो भी लंबे अरसे तक उनके साथ चलता रहेगा। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।